नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी दोस्तों का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन एग्जाम्स तैयारी पर बहुत बहुत अभिनंदन स्वागत करता हूं। दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर नहीं हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर कीजिएगा, जिससे कि जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सके। दोस्तों, इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं करवाऊंगा इंडिया जीके से संबंधित सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न करवाऊंगा दोस्तों। तो दोस्तों, आज का पहला क्वेश्चन है, डोरंड कप का संबंध किस खेल से है? तो दोस्तों, जो डोरंड कप है इसका संबंध किस खेल से है, तो क्या होगा इसका आंसर? इसका आंसर होगा फुटबॉल से संबंध है। डोरंड कप का संबंध किससे? फुटबॉल खेल से। और दोस्तों, फुटबॉल खेल में प्रत्येक पक्ष में खिलाड़ियों की संख्या 11 होती है। और दोस्तों, फुटबॉल खेल है यह एक आउटडोर गेम है। और दोस्तों, इस फुटबॉल गेम के मैच की अवधि 90 मिनट की होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो दोस्तों, कौन सा है भारत का सबसे लंबा बांध? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हीराकुंड बांध है जो भारत का सबसे लंबा बांध है। और दोस्तों, इस बांध की लंबाई है वह लगभग 26 किलोमीटर लंबा है ये। और दोस्तों, यह बांध महानदी पर बना हुआ है। जो हीराकुंड बांध है वह महानदी पर बना हुआ है। और दोस्तों, हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य में के सबलपुर जिले में 1957 में बनकर तैयार हो गया था। और दोस्तों, उड़ीसा राज्य की कैपिटल क्या होती है? इसकी कैपिटल है भुवनेश्वर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है? दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए बहुत बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा 22 भाषाओं को। 22 भाषाओं को संविधान की 8वीं अनुसूची में भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है। और दोस्तों, जो कोंकणी है, मणिपुरी है, नेपाली भाषा को 1992 ईस्वी में जोड़ा गया था संविधान संशोधन की 8वीं सूची में। और दोस्तों, उसके बाद में ये जोड़ा गया बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली को 2003 में जोड़ा गया था। और दोस्तों, ऐसे पूछा जाए संविधान की 8वीं अनुसूची में 2003 में कौन कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, तो इसे याद करने की एक ट्रिक है, बूढ़ी डोगरी स्याड़ा में मैथी खाला है, उससे हो जाएगी बूढ़ी डोगरी मैथिली संताली, ये भाषा 2003 में 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है? तो दोस्तों, चीन की मुद्रा क्या है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा चीन की मुद्रा है युआन। क्या है? युआन है। और दोस्तों, चीन की कैपिटल क्या है? चीन की कैपिटल है बीजिंग। चीन का प्रेसिडेंट कौन है दोस्तों? शी जिनपिंग है। और चीन दोस्तों विश्व की सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से ये चौथा बड़ा देश है। जनसंख्या की दृष्टि से पहला बड़ा देश है और क्षेत्रफल की दृष्टि से चौथा बड़ा देश है। पहला कौन सा है? रूस है। दूसरा कौन सा है? कन्नाडा है। और तीसरा कौन सा है? अमेरिका है। और चौथा कौन सा हो जाएगा? चीन हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा अपने स्टडी ग्रुप जैसे कि व्हाट्सएप ग्रुप है, ट्विटर ग्रुप है, फेसबुक ग्रुप है, इंस्टाग्राम है, टेलीग्राम है, उस पर शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों, आप वीडियो को अंत तक जरूर देखा करें, क्योंकि इस वीडियो में मैं वो प्रश्न लेके आया हूँ जो आपकी आने वाली प्रत्येक प्रतियोगिता परीक्षा के लिए ये बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सेलेक्टेड क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है? दोस्तों, आपकी एग्जाम के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो कौन है इसके संस्थापक? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा हेनरी ड्यूनॉट है रेड क्रॉस के संस्थापक। अब दोस्तों, इसकी समीक्षा करवाता हूँ। तो दोस्तों, रेड क्रॉस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 1863 ईस्वी में। रेड क्रॉस का मुख्यालय कहाँ पर है? जिनेवा। और जिनेवा कहाँ पर है? स्विट्जरलैंड में है। दोस्तों, विश्व रेड क्रॉस दिवस कब मनाया जाता है? तो विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया जाता है 8 मई को। दोस्तों, यह किसके लिए मनाया जाता है? यह
दिवस हेनरी ड्यूनोट के जन्मदिन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत कोकिला कौन सी कहलाती है? तो दोस्तों भारत कोकिला कौन कहलाती है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा सरोजनी नायडू भारत की कोकिला कहलाती है। और दोस्तों सरोजनी नायडू को ही नाइटिगल ऑफ इंडिया भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नाइटिगल ऑफ इंडिया भी से ही कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार बनवाने किसने शुरू की थी? तो दोस्तों किसने शुरू की थी कुतुब मीनार दिल्ली के अंदर? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के लिए। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिल्ली में कुतुब मीनार बनवानी शुरू की थी। और दोस्तों कब बनाना शुरू किया था? 1193 ईस्वी में कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा निर्मित कराया गया था। और दोस्तों ये जो कुतुब मीनार है इसकी ऊंचाई है 72.5 मीटर, या इसे फिट में देखें तो 237.86 फिट है इसकी ऊंचाई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो दोस्तों कौन थे इसके संस्थापक? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर देगा मदन मोहन मालवीय थे बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक। और दोस्तों ये बनारस हिंदू विश्वविद्यालय है ये वाराणसी में स्थित है, और इसकी स्थापना कब की गई थी? इसकी स्थापना की गई थी 1916 में बसंत पंचमी के दिवस पर इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो दोस्तों कौन है अर्थशास्त्र के लेखक? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर हो जाएगा चाणक्य। और दोस्तों चाणक्य ही को क्या कहते थे? कौटिल्य कहते थे। तो दोस्तों चाणक्य है ये चंद्रगुप्त मौर्य के महामंत्री थे। कौटिल्य दोस्तों चाणक्य को क्या कहते हैं? कौटिल्य। और यह तक्षशिला विश्वविद्यालय में आचार्य भी रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है विवेकानंद स्मारक? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर होगा कन्याकुमारी में स्थित है विवेकानंद स्मारक। और दोस्तों कन्याकुमारी कहाँ पर है? तमिलनाडु में है। तमिलनाडु की कैपिटल क्या होती है दोस्तों? चेन्नई होती है। तमिलनाडु का सीएम कौन है? ईके पलानीस्वामी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षेस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कहाँ पर स्थित है दक्षेस का मुख्यालय? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा दक्षेस का मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में। काठमांडू है वह नेपाल की क्या है? कैपिटल है। नेपाल का पीएम कौन है दोस्तों? प्रधानमंत्री कौन है? केपी शर्मा ओली। और नेपाल के राष्ट्रपति कौन है? विद्या देवी भंडारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, दक्षेस के सदस्य देश कितने हैं? दक्षेस के जो सदस्य देश हैं ये कितने हैं दोस्तों? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा 8, यानी कि अब प्रेजेंट में है 7 और पहले कितने थे? 8 थे। तो दोस्तों ये 7 देश कौन कौन से हैं ये बता देता हूँ मैं आपको। ये सदस्य देश है 7, पहला है भारत, दूसरा है पाकिस्तान, तीसरा है बांग्लादेश, चौथा है श्रीलंका, और पांचवा है नेपाल, छठवा है भूटान, और सातवा है मालदीव। ये 7 सदस्य देश हैं दक्षेस के। और दोस्तों दक्षेस की स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना हुई थी 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो दोस्तों इसकी तटरेखा की लंबाई कितनी है? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा तटरेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में अदरक या मायका का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? दोस्तों कौन सा देश करता है सर्वाधिक उत्पादन मायका का? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका उत्पादन करता है भारत। और दोस्तों भारत है पूरी दुनिया का 60% से अधिक मायका का अदरक का उत्पादन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाई? तो दोस्तों किसने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा शेर शाह सूरी ने बनवाई थी ग्रैंड ट्रंक रोड। और दोस्तों ग्रैंड ट्रंक रोड को क्या कहते हैं? जीटी रोड भी कहते हैं। इसकी लंबाई कितनी है दोस्तों? इसकी लंबाई है 2700 किलोमीटर। कितनी है? 2700 किलोमीटर है इसकी लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस अधिवेशन में
कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। तो दोस्तों किस अधिवेशन में हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा 1960 के सूरत अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया? तो दोस्तों किसने बनवाया था तंजोर के बृहदेश्वर मंदिर को? इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर हो जाएगा राज राजा पार्थम चोल ने तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर को बनवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पर हुआ था? कहाँ पर हुआ था दोस्तों अकबर का जन्म? क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अमरकोट के दुर्ग में सम्राट अकबर का जन्म हुआ था। और दोस्तों अकबर का पूरा नाम क्या है? इसका नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्या है इसका पूरा नाम? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर इसका पूरा नाम है। और दोस्तों इनका जन्म हुआ था 15 अक्टूबर 1542 ईस्वी को। और दोस्तों अकबर की मृत्यु कब हुई थी? 27 अक्टूबर 1605 ईस्वी को। अकबर के पिता का नाम क्या था? हुमायूं था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था? तो दोस्तों किस देश में आयोजित हुआ था? इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ब्राजील में आयोजित किया गया था। और कब किया गया था दोस्तों? 2014 में। और दोस्तों इसका विजेता देश कौन सा था? तो इसका विजेता देश था जर्मनी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया? तो दोस्तों किस देश में आयोजित किया गया था? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस में आयोजित किया गया था 2018 का फुटबॉल विश्व कप। और दोस्तों इसमें क्रोएशिया को फ्रांस ने हराया। किसने हराया था? फ्रांस ने क्रोएशिया को हरा कर दूसरी बार यह चैंपियनशिप जीती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुआ? तो दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा ग्लासगो स्कॉटलैंड में वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम आयोजित किए गए। और दोस्तों ये कॉमनवेल्थ गेम है, यह 23 जुलाई से 3 अगस्त तक, कब से? 23 जुलाई से 30 अगस्त 2014 के मध्य हुआ था। और इस गेम में पहले स्थान पर कौन रहा दोस्तों? इंग्लैंड रहा। और इंग्लैंड ने 176 पदक जीते। दूसरे स्थान पर कौन रहा था दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया। और ऑस्ट्रेलिया ने कितने पदक जीते? 137 पदक जीते। और दोस्तों अपना देश भारत है, वह 64 पदक जीतकर 5वें स्थान पर रहा था। और दोस्तों इन 64 पदकों में कौन कौन से पदक थे? 15 पदक तो हैं स्वर्ण पदक हैं, 30 हैं रजत पदक हैं और 19 हैं कांस्य पदक हैं। और टोटल कितने पदक जीते हैं? 64 पदक जीते हैं और 5वें स्थान पर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? दोस्तों कहाँ पर आयोजित हुआ था? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर होगा न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप आयोजित किया गया था। और दोस्तों इसमें क्या हुआ था? यह विश्व कप 14 फरवरी से 29 मार्च 2015 तक चले थे। कब से कब? 14 फरवरी से 29 मार्च तक चले थे। और दोस्तों इसमें विजेता देश कौन सा था? ऑस्ट्रेलिया विजेता रहा। और उप विजेता देश कौन सा रहा? न्यूजीलैंड। यानी कि न्यूजीलैंड को हराकर ऑस्ट्रेलिया विजेता प्राप्त की। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो दोस्तों कौन करता है इसकी अध्यक्षता? क्या होगा इसका राइट आंसर दोस्तों? इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष करता है संसद के दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता। और दोस्तों अनुच्छेद 108 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा दोनों सदनों की संयुक्त अधिवेशन बुलाने का प्रावधान है। और दोस्तों अनुच्छेद 118 के अनुसार संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष या स्पीकर द्वारा की जाती है।
तो दोस्तों इस वीडियो में मैं करवाऊंगा आपको मोस्ट इम्पोर्टेंट इंडिया जीके से संबंधित 40 क्वेश्चन। और दोस्तों इस 40 क्वेश्चन पूरे होने के बाद मैं आपको साथ में ही क्या करवाऊंगा, रिवीजन करवाऊंगा। तो दोस्तों जिससे कि एक पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, यानी कि पहले तो किसी टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद में उसका रिविज़न करना चाहिए, जिससे कि वह हमें अच्छी तरह से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से हमें याद हो जाए। तो दोस्तों इसी शेड्यूल से मैं आपको वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड करवाता रहता हूँ पर्सन। तो दोस्तों आप हमारे वीडियो का ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त किया करो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों कौन थे प्रथम लोकसभा अध्यक्ष, क्या होगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा गणेश वासुदेव मावलंकर थे भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? दोस्तों इसका अंतिम निर्णय है यह कौन करता है, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा लोकसभा अध्यक्ष कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं इसका निर्णय करता है। और दोस्तों अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा दी गई है, कौन सी अनुच्छेद में दी गई है? अनुच्छेद 110 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों कौन सा है सबसे बड़ा महाद्वीप, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा एशिया, एशिया महाद्वीप है जो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों एशिया महाद्वीप है यह क्षेत्रफल व जनसंख्या दोनों की दृष्टि से ही सबसे बड़ा महाद्वीप है। और दोस्तों यह है कौन से गोलार्ध में स्थित है, यह उत्तरी गोलार्ध में स्थित है एशिया महाद्वीप। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हैदराबाद किस नदी पर बसा हुआ है? तो दोस्तों कौन सी नदी पर बसा हुआ है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मुंशी नदी पर बसा हुआ है हैदराबाद। तो दोस्तों और ये हैदराबाद है किस राज्य की कैपिटल है, यह वर्तमान में आंध्र प्रदेश की कैपिटल है। और दोस्तों प्रस्तावित कैपिटल आंध्र प्रदेश की क्या है, आंध्र प्रदेश की प्रस्तावित कैपिटल है वो अमरावती है, और हैदराबाद किसकी रह जाएगी, ये तेलंगाना की रह जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है देश, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा मेक्सिको, यानी कि विश्व में चांदी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है, वह करता है मेक्सिको। मेक्सिको की राजधानी क्या है दोस्तों, मेक्सिको सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है सबसे छोटा देश, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा वेटिकन सिटी है क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश। और इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 0.49 वर्ग किलोमीटर है वेटिकन सिटी का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? दोस्तों किन दो सागरों को जोड़ती है स्वेज नहर, क्या होगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा स्वेज नहर है वह भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है। और दोस्तों स्वेज नहर का निर्माण कार्य कब हुआ था, 1869 ईस्वी में हुआ था। और दोस्तों इसकी लंबाई, इस स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, कहीं कहीं किताबों में तो 164 किलोमीटर देखने को मिलती है और कहीं कहीं पर 168, यानी कि आप दोनों याद रखना है 164 किलोमीटर या 168 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्नामा नहर किन दो महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों किन किन को जोड़ती है, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है पन्नामा नहर। और दोस्तों पन्नामा नहर है वह किस किस को जोड़ती है, प्रशांत महासागर और उत्तरी अटलांटिक महासागर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? दोस्तों इसकी राजधानी कौन सी है, क्या होगा इसका राइट आंसर? इसका आंसर हो जाएगा सिलवासा है दादरा नगर हवेली की राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो दोस्तों कौन सा है सबसे बड़ा राज्य, इसका राइट आंसर क्या होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा राजस्थान है
भारत का सबसे बड़ा राज्य, वह भी क्षेत्रफल की दृष्टि से। और दोस्तों तो इसका क्षेत्रफल राजस्थान है, तो इसका क्षेत्रफल कितना है दोस्तों, 342,239 वर्ग किलोमीटर है राजस्थान का क्षेत्रफल। और दोस्तों राजस्थान की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है जयपुर है। राजस्थान का सीएम कौन है दोस्तों, अशोक गहलोत है। और दोस्तों एक प्रश्न ऐसे भी पूछा जाता है, यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य कौन सा है, तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, ये गोवा है। और गोवा का क्षेत्रफल कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर है। कितना है, 3,702 वर्ग किलोमीटर है गोवा का क्षेत्रफल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है, तो दोस्तों कब मनाया जाता है पृथ्वी दिवस, तो यह मनाया जाता है 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है, तो दोस्तों फूलों की घाटी किस राज्य में है, क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। तो दोस्तों ये प्रश्न है ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है, और ये कन्फ्यूजन वाला क्वेश्चन होता है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा उत्तराखंड में। कहाँ पर है फूलों की घाटी, उत्तराखंड में। और दोस्तों एक क्वेश्चन ऐसे भी पूछा जाता है, यानी कि संत घाटी है वह किस राज्य में, तो संत घाटी है केरल राज्य में। अब दोस्तों यहाँ पे उत्तराखंड का नाम आया है, तो उत्तराखंड की कैपिटल क्या है, इसकी कैपिटल है देहरादून है। और उत्तराखंड का सीएम कौन है, त्रिवेंद्र सिंह रावत है। और यहाँ का गवर्नर कौन है, बेबी रानी मौर्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिणी सूडान की राजधानी कौन सी है, तो इसकी राजधानी कौन सी है दोस्तों, इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, दक्षिणी सूडान की राजधानी है जूबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो दोस्तों कौन होता है नीति आयोग का अध्यक्ष, क्या होगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर हो जाएगा नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। और दोस्तों नीति आयोग है यह योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 को बनाया गया नीति आयोग। और दोस्तों नीति आयोग है इसका मुख्यालय कहाँ पर है, नई दिल्ली में। और दोस्तों जो नीति है, नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या होती है, नीति की फुल फॉर्म होती है नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, क्या होती है, नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। और दोस्तों नीति आयोग का उपाध्यक्ष कौन होता है, इसका उपाध्यक्ष है राजीव कुमार। नीति आयोग का सीईओ कौन है, इसका सीईओ है अमिताभ कांत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आईने अकबरी का लेखक कौन है, तो इसका लेखक कौन होगा दोस्तों, क्या हो जाएगा इसका राइट आंसर, इसका आंसर होगा अबुल फजल है आईने अकबरी का लेखक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमैन कप किस खेल से संबंधित है, दोस्तों किस खेल से संबंधित है, इसका आंसर हो जाएगा होपमैन कप है हमारे टेनिस से संबंधित है। और दोस्तों आज का अंतिम क्वेश्चन है, देशबंधु के नाम से कौन जाना जाता है, दोस्तों कौन जाना जाता है देशबंधु के नाम से, इसका राइट आंसर क्या होगा, तो चित्रंजन दास को जाना जाता है देशबंधु के नाम से, देशबंधु के नाम से किसे जाना जाता है, चित्रंजन दास को। अब दोस्तों अब मैं करूँगा रिविज़न, क्योंकि पढ़ने का एक शेड्यूल होता है, पहले किसी टॉपिक को हमें पढ़ना चाहिए, उसके बाद उसका रिवीजन करना चाहिए, जिससे कि वह हमें अच्छी तरीके से समझ में आ जाए, अच्छी तरह से याद हो जाए। और दोस्तों इसी शेड्यूल के माध्यम से मैं आपको वीडियो प्रोवाइड करवाता हूँ। तो दोस्तों पहला क्वेश्चन है, डोरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो इसका संबंध है फुटबॉल से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है, तो सबसे लंबा बांध है हीराकुंड बांध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो इसमें 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, चीन की मुद्रा कौन सी है, तो इसकी मुद्रा है युआन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रेड क्रॉस के संस्थापक कौन है, तो रेड क्रॉस के संस्थापक है हेनरी ड्यूनॉट है। नेक्स्ट है, भारत कोकिला कौन कहलाती है, तो सरोजिनी नायडू को कहा जाता है भारतीय कोकिला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी, तो उसने शुरू की थी किसने, कुतुबुद्दीन ऐबक ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो इसके संस्थापक है मदन मोहन मालवी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अर्थशास्त्र के लेखक कौन है, तो इसका लेखक है कौटिल्य या चाणक्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विवेकानंद स्मारक कहाँ स्थित है, तो यह स्मारक है कन्याकुमारी तमिलनाडु में। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
दक्षिस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दक्षिस के सदस्य देश कितने हैं? तो दोस्तों पहले तो इसके सदस्य देश थे 8 और अब कर दिए गए हैं इसे 7 कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितनी है? तो इसकी तटरेखा की लंबाई है 7,516 किलोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में अदरक का सर्वाधिक उत्पादन कौन सा देश करता है? तो वह देश है भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो वह शेरशाह सूरी ने बनवाया था ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अधिवेशन में कांग्रेसी उदारवादी और उग्रवादी नामक दो दलों में विभाजित हुआ था? तो वह अधिवेशन था 1907, 1907 का सूरत अधिवेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तंजोर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो यह मंदिर बनवाया था राज राजा प्रथम चोल ने। नेक्स्ट है, मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका जन्म हुआ था अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो यह ब्राजील में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ? तो 2018 का हुआ था रूस में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ आयोजित हुए? तो कॉमनवेल्थ गेम हुए थे ग्लासगो स्कॉटलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ? तो क्रिकेट विश्व कप आयोजित हुआ था न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में संयुक्त रूप से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? तो इसकी अध्यक्षता करता है लोकसभा का अध्यक्ष। और अनुच्छेद कौन सा है? 118, यानी कि अनुच्छेद 118 के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर, यानी कि गणेश वासुदेव मावलंकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका अंतिम निर्णय कौन करता है? तो वह करता है लोकसभा अध्यक्ष करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो वह है एशिया महाद्वीप है, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल दोनों की दृष्टि से है। हैदराबाद किस नदी पर स्थित है? तो यह बसावा है मुंशी नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है? तो चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश है मेक्सिको है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो वह है वेटिकन सिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है? तो यह जोड़ती है भूमध्य सागर और लाल सागर को जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पनामा नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, महासागरों को जोड़ती है? दोस्तों प्रशांत महासागर को उत्तरी अटलांटिक महासागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संघीय क्षेत्र दादरा नगर हवेली की राजधानी कौन सी है? तो इसकी राजधानी है सिलवासा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य है राजस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? तो पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो फूलों की घाटी है उत्तराखंड राज्य में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र दक्षिण सूडान की राजधानी कौन सी थी? तो जुबा थी इसकी राजधानी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री, होता है नीति आयोग का अध्यक्ष। तो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों के पास इसे शेयर जरूर कीजिएगा, जिससे कि हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोत्साहन मिल सके और मैं आपके लिए अच्छे से अच्छे वीडियो प्रोवाइड करने का प्रयास कर सकूँ। तो दोस्तों मैं आपको फिर से याद दिलवा देता हूँ, अभी तक किसी दोस्त ने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, साथ में जो बेल आइकन बनता है उसे प्रेस करने के बाद जो ऑल का ऑप्शन बनता है उसे सेलेक्ट जरूर करें, जिससे जो भी मैं नया वीडियो लेके आऊँ उसकी नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो सके और आप ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त कर सकें। तो दोस्तों इस वीडियो की आपको PDF चाहिए तो मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दे दिया है, तो टेलीग्राम से इस वीडियो की PDF डाउनलोड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, आयने अकबरी का लेखक कौन है? तो आयने अकबरी का लेखक है अबुल फजल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होपमेन कप किस खेल से संबंधित है? तो यह संबंधित है टेनिस से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देश बंधु के नाम से कौन जाना जाता है? तो देश बंधु के नाम से जाना जाता है चित्रंजन दास, जाना जाता है देश बंधु के नाम से। तो दोस्तों ये थे आज के मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड 40 क्वेश्चन, जो इंडिया जीके से आपकी आने वाली सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो अंत तक जरूर देखा करें, जिससे कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट प्राप्त
हो सकें। थैंक यू दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।